हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। माय नेम इज़ शैलेंद्र सिंह राठौर एंड टुडेज टॉपिक इज़ टाइम एंड टेंस। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड टेंस से। तो टाइम हम लोगों को मालूम है, टाइम मतलब होता है समय, और जो टेंस है उसका मतलब होता है काल। तो इसके डेफिनेशन देखते हैं। टाइम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, व्हाइल टाइम टेंस रिप्रेजेंट ग्रामेटिकली फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि जो टाइम होता है वो हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, जबकि जो टेंस है वो क्या है, एक ग्रामेटिकल फॉर्म है वर्ब की। तो इसका हम देख सकते हैं, डिवीजन देख सकते हैं, टाइम एंड एस्पेक्ट। तो जो एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट मतलब हो गया उसकी अवस्था। जो टेंस है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ये जो तीनों टेंस है ये भी किसमें, चार पार्ट में डिवाइड है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि अगर हम देखेंगे तो टोटल 12 पार्ट्स हो गए, जो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह से पास्ट एंड फ्यूचर। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से, द यूजेज ऑफ टेंसेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर वन, टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, परमानेंट एक्टिविटी और नेचर। यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कहाँ यूज होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में या प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत हो वहाँ पर, या फिर परमानेंट एक्टिविटी हो या नेचर हो, आपका कोई नेचर हो, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज डिनोट द सेंस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो पास्ट को डिनोट करते हैं, प्रेजेंट को डिनोट करते हैं, फ्यूचर टेंस को डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव करती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर फ्रीजेस एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्ड्स ले देयर एग्स इन देयर नेस्ट, आई रेगुलरली गो फॉर ए वॉक। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, प्रिंसिपल है, परमानेंट एक्टिविटी है और नेचर है। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर टू, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, विविड डिस्क्रिप्शंस, कमेंट्री, ब्रॉडकास्टिंग और रिपीटेड एक्शंस। तो और कहाँ पर ये यूज़ होता है, एक तो हैबिचुअल एक्शन मतलब जो डेली का आपका जो एक्शन है वहाँ पर यूज़ होता है, विविड डिस्क्रिप्शंस है क्या, यानी कि बहुत कोई डिस्क्रिप्शन देना हो, कमेंट्री जैसे कोई स्पोर्ट्स है क्या तो वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री हम जब करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कोई न्यूज़ वगैरह की ब्रॉडकास्टिंग हो गई वहाँ पर, और रिपीटेड एक्शंस तो बार बार कोई एक्शंस किया जा रहा है तो वहाँ पर हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। शी यूजेज हैवी कॉस्मेटिक्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये उसका हैबिचुअल एक्शन है। तो ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में। द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग, होइस्ट मतलब होता है फहराना, जो झंडा फहराया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस ऑन द 15th of August 1947, तो ये एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग है, तो ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ में हमें बताया गया है। तो ये सारे किस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट, क्लॉजेज ऑफ टाइम और कंडीशंस आर आल्सो एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यानी कि टाइम के जो क्लॉज है या फिर कंडीशंस है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। प्लीज़ वेट अंटिल आई कम, तो ये क्लॉजेज ऑफ टाइम और कंडीशंस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड पॉइंट, क्लॉजेज ऑफ टाइम और कंडीशन आर ऑल्सो एक्सप्रेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी कि आप कठिन मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। प्लीज वेट अंटिल आई कम, तो ये क्लॉजेज ऑफ टाइम और कंडीशन है, तो ये एक्सप्रेस किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट देखेंगे फोर, टू एक्सप्रेस दोज प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स विच आर स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन नियर फ्यूचर। तो यानी कि ऐसे जो प्रोग्राम्स या फिर इवेंट्स हैं जो आने वाले फ्यूचर्स में स्केड्यूल किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, अवर एग्जामिनेशंस बिगिन टुमारो, तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन इवेंट है और ये आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, इसलिए फिर हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। होली फॉल्स नेक्स्ट मंथ, तो आने वाला अपकमिंग इवेंट है वो होली है और वो नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फॉलोइंग वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, दीज वर्ब्स शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो वर्ब्स होती है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जाती और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज की जाती है। और ये वर्ब्स देखते हैं हम, नंबर वन,
वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस। तो देखने के जो है अपने पास वर्ब्स वो कौन कौन सी है, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइजेशन। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो ऐसी वर्ब्स जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हो उनको परसेप्शंस कहा जाता है। नंबर टू, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। तो अपीयरेंस वाली वर्ब्स कौन सी है, अपीयर, लुक, सीम। वर्ब्स ऑफ इमोशंस, तो इमोशंस वाली वर्ब्स है वॉन्ट, विश, डिजायर, लाइक, लव, हेट, होप एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ थिंक, तो थिंकिंग से रिलेटेड वर्ब्स होती है, थिंक, सपोज, बिलीव, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ हैविंग, तो कोई चीज आपके पास है तो इस तरह की जो वर्ब्स होती है वो है ऑन, पजेस, बिलोंग टू, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू रिप्रेजेंट द वर्क दैट इज ऑन गोइंग। तो ये इस तरह का वर्ब को रिप्रेजेंट करता है जो कि ऑन गोइंग है, मतलब चल रहा है। एग्जाम्पल लेंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट मैच। तो यहां आप देख सकते हैं क्रिकेट मैच चल रहा है यहां पे, तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, वर्ब प्लस आईएनजी। तो आईएनजी अगर आप ऐड कर देते हैं वर्ब में तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे वी आर स्टडिंग, तो यहां देख सकते हैं स्टडी प्लस आईएनजी हो गया, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। टू एक्सप्रेस दोस प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स विच आर स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द नियर फ्यूचर। तो यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स और इवेंट्स जो आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में हेल्ड होने वाले हैं या फिर स्केड्यूल होने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। एग्जांपल लेंगे, वी आर प्लेइंग ए मैच टुमारो, यानी कि हम कल क्या मैच खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, यानी कि प्ले प्लस आईएनजी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, यानी कि मैं आज रात दिल्ली जाने वाला हूँ। तो फिर ये क्या है, फ्यूचर वाली बात है, तो एक प्रोग्राम है, इवेंट है जो सेट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट, टू रिप्रेजेंट पॉसिबिलिटी और इंटेंशन। तो यानी कि कोई पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना या फिर इंटेंशन आपको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू गिव ए परफॉर्मेंस, तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी है कि वो परफॉर्मेंस देने वाला है, तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम, गोइंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम गोइंग टू बाय ए स्मार्टफोन, तो यानी कि क्या है, एक संभावना है कि मैं एक स्मार्टफोन लेने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग गोइंग का यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, टू रिप्रेजेंट द वर्क दैट इज कम्प्लीटेड ए लिटिल वाइल अगो एंड इट शोज पास्ट टाइम, यानी कि ऐसे वर्क जो कि अभी भी कम्प्लीट हुआ है और वो एक पास्ट टेंस शो करता है, पास्ट टाइम शो करता है। एग्जाम्पल, यू हैव फिनिश्ड योर टास्क, यानी कि तुमने क्या करा, तुम्हारा जो टास्क है वो फिनिश कर लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये थर्ड पॉइंट है। तो ये कहाँ यूज होता है, नंबर वन, टू रिप्रेजेंट द वर्क दैट इज कंप्लीटेड ए लिटिल वाइल अगो एंड इट शोज पास्ट टाइम, यानी कि ऐसा वर्क जो अभी भी कंप्लीट हुआ है और क्या शो करता है, पास्ट टाइम शो करता है। एग्जाम्पल लेंगे, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यानी कि तुमने क्या कर दिया, अपना जो वर्क है वो फिनिश कर लिया। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या फिर हैव और हैड यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस एंड वर्ब। नेक्स्ट देखेंगे हम, नंबर टू, टू रिप्रेजेंट द वर्क दैट स्टार्टेड ए लिटिल वाइल अगो एंड इज कंटिन्यूइंग, इट्स कंप्लीशन इज नॉट फिक्स्ड और डिटरमाइंड, यानी कि ऐसा वर्क जो अभी कुछ समय पहले ही चालू हुआ है और कंटिन्यू है और उसका जो कंप्लीशन है, मतलब वो कंप्लीट होने वाला है या नहीं होने वाला, वो हमें मालूम नहीं होता या फिर फिक्स होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव लिव्ड इन जयपुर फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिप्रेजेंट हुआ है एक वर्क जो कि कुछ टाइम पहले चालू हुआ है, 3 साल पहले चालू हुआ है और कंटिन्यू है, चल रहा है, मतलब तो मैं रह रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, दे हैव नॉट कम हियर फॉर मैनी मंथ्स, तो वो क्या है, यहाँ पर काफ़ी समय से नहीं आए, तो मैनी मंथ्स यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये यहाँ अपन देख सकते हैं, कंप्लीशन इज नॉट फिक्स्ड, ही हैज गॉन टू अमेरिका, तो वो क्या है, अमेरिका जा चुका है। तो ये यानी कि ऐसा वर्क जो कुछ समय पहले ही कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नंबर थर्ड, फॉलोइंग एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेज, यानी कि ये जो कुछ अपने पास एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेज होते हैं, जैसे जस्ट,
एवर नेवर सो फार टिल नाउ ऑलरेडी फोर सिंस टुडे दिस मॉर्निंग दिस वीक एक्सेट्रा आर यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये जो वर्ब्स होते हैं वर्ब्स एडवर्ब्स तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं. जैसे एग्जाम्पल है आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क. तो यहां आप देख सकते हैं जस्ट फिनिश्ड तो यहां पर जस्ट यूज हो रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है. शी हैज नॉट सीन मी सो फार यानी कि उसने मुझे नहीं देखा है काफी टाइम से. तो यहां आप देख सकते हैंज आ रहा है तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और सीन यहां पर यूज हो रहा है. तो इस तरह के एडवर्ब यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. नेक्स्ट देखेंगे नंबर फोर एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम. तो पास्ट टाइम के एडवर्ब्स वो कौन कौन से हैं यस्टरडे लास्ट ईयर सम टाइम अगो एक्सेट्रा शुड नॉट बी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यानी कि पास्ट टाइम वाले जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होते हैं. एग्जाम्पल ही हैज कम यस्टरडे तो ये इनकरेक्ट फॉर्म है. इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो ये होगा ही कैम यस्टरडे. तो यहां आप देख सकते हैं ये जो यस्टरडे है वो शो कर रहा है एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम. इसलिए हम लोग यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट देखेंगे ही हैज पास्ड एमएससी लास्ट ईयर. अब यहां पर लास्ट ईयर आ रहा है तो ये शो कर रहा है पास्ट टाइम. तो यहां पर हम लोग को हैज यूज नहीं करना क्योंकि हैज क्या है परफेक्ट टेंस है. इसलिए तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा ही पास्ड एमएससी लास्ट ईयर. तो ये सिंपल पास्ट यूज हो रहा है यहां पर बजाय परफेक्ट टेंस के. These sentences should be used in simple past tense. तो ये जो sentences है वो simple past tense में आपको use करने हैं. Next देखेंगे हम number फोर present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used for those works that started in the past and is continued. तो ये जो present perfect continuous tense है वो उन works के साथ use होता है जो past में start हुए हैं और continue है चल रहे हैं. तो P यानी कि past के अंदर start हुए हैं और अभी तक continue है तो उनके साथ हम लोग ये यूज करते हैं. एग्जाम्पल लेंगे ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock. तो यहां पर आप देख सकते हैंज बीन स्टडिंग है तो ये क्या है 6 बजे से पढ़ाई कर रहा है. तो आप देख सकते हैं पुराना यानी कि पास्ट टेंस में यूज हुआ है ये वर्क और अभी तक कंटिन्यू है. तो यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होती है. तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें फिर लगेगा फॉर और सिंस. नेक्स्ट देखेंगे ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन 3 years. तो वो 3 साल से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है. तो यहां पर यूज हो रहा हैज बीन और वर्ब प्लस आईएनजी प्लस 4. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो पास्ट में यू जो एक्शन है वो स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंटिन्यू है. सिंस डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये नोट में एक है कि जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है और जो 4 है डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम. तो जो 4 है वो पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है. फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस. नंबर 1 सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर दोज वर्क्स दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस वो सिंपली अपने आप को क्लियरिफाई कर रहा है कि ऐसे वर्क जो कि कंप्लीटेड है मतलब खत्म हो चुके हैं पास्ट टेंस के अंदर और सिर्फ पास्ट टेंस ही शो करते हैं. एग्जाम्पल है आई स्टडीड इन पटना साइंस कॉलेज. तो मतलब मैं पटना साइंस कॉलेज में पढ़ता था तो ये बात खत्म है यहाँ पर. आई मैट हिम इन द मार्केट. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं उससे मिला था मार्केट के अंदर. तो यहाँ पर मैट यूज हो रहा है यहाँ स्टडी यूज हो रहा है. तो ये जो वर्ब्स हैं वो वर्ब शो कर रही है कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है. नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2 दीज टेंस ऑल्सो डिनोट्स द हैबिट ऑफ द पास्ट. तो ये जो टेंस है ये पास्ट की हैबिट को भी डिनोट करता है. एग्जाम्पल लेंगे ही यूज टू वियर वाइट वेस्ट. तो वेस्ट मतलब होता है अंदर जो पहने जाना वाला इसको हम बनियान कहा जाता है. तो यानी कि वो क्या करता है यूज टू वियर. तो देख सकते हैं आप ये हैबिट है उसकी वाइट वेस्ट पहनने की. ही ऑफन कैम ऑन फुट. तो ऑफन कैम मतलब ज्यादातर वो फुट यानी कि पैदल आता है. तो यहां पर ये क्या हैबिचुअल एक्शन है तो हैबिट है पास्ट की. नोट एक जनरली एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूज विद दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस. तो इस टाइप के जो सेंटेंस है उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब जो अकरेंस वाली बात होती है वहां पर पास्ट टेंस यूज किया जाता है. नंबर 3 पॉइंट है एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम. तो पास्ट टाइम्स के जो एडवर्ब्स हैं यस्टरडे लास्ट ईयर सम टाइम्स अगो एक्सेट्रा आर यूज विद सिंपल पास्ट टेंस.
तो ये जो है वो परफेक्ट टेंस के साथ ना यूज होके पास्ट टेंस के साथ यूज किए जाते हैं। अब देखेंगे नंबर 6 पॉइंट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका फर्स्ट पॉइंट है टू डिनोट द वर्क दैट वॉज हैपनिंग इन द नियर पास्ट। तो ये ऐसे वर्क को डिनोट करने में यूज में आता है जो कि अभी भी, मतलब ज़्यादा उसको टाइम नहीं हुआ है और ख़त्म हुआ है। दे वर प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ आप देख सकते हैं वो क्या कर रहे थे, वो हॉकी खेल रहे थे, मतलब जस्ट ख़त्म हुआ है, तो ये शो कर रहा है वर प्लेइंग। वी वर स्टडिंग, हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, तो ये जस्ट अभी हैपनिंग हुआ है नियर पास्ट में। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पॉइंट, इट आल्सो डिनोट्स द हैबिट ऑफ द पास्ट। ये पास्ट की जो हैबिट है वो भी डिनोट करता है। जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब कौन सी है, ऑलवेज, ऑफन, कॉन्टिन्यूली एक्सेट्रा आर यूज विद दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इनके साथ यूज की जाती है। एग्जाम्पल लेंगे, ही वॉज ऑलवेज कंप्लेन, वो क्या करता है, हमेशा कंप्लेन करना है, उसकी आदत है कंप्लेन करने की, तो यानी कि ये क्या है, हैबिट ऑफ पास्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आईएनजी फॉर्म आ रहा है और यहाँ पर वॉज वर यूज हो रहा है। शी वॉज कॉन्टिन्यूली हैरेसिंग हर हस्बैंड, तो यहाँ आप देख सकते हैं वो परेशान करती है अपने हस्बैंड को, तो यहाँ पर वॉज हो रहा है, यूज हो रहा है, और हैरेसिंग यूज हो रहा है, यानी कि वॉज वर प्लस वर प्लस आईएनजी। तो इस तरह की अगर फॉर्मेशन आ जाती है, स्ट्रक्चर आ जाता है, तो हमें समझ जाना चाहिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है, नंबर वन पॉइंट, टू डिनोट द वर्क दैट वॉज कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम, यानी कि ऐसा वर्क जो कि एक सर्टेन टाइम में कंप्लीट हुआ है। एग्जाम्पल लेंगे हम, ही हैड बिल्ड हिज हाउस बिफोर 1994। तो ये क्या है, 1994 बता रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, एक सर्टेन टाइम बता रहा है, तो वहां पर जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ है, तो यानी कि जो हाउस है उसका इस टाइम पीरियड में कंप्लीट हुआ है। शी हैड रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर ज्वाइनिंग हियर, तो यानी कि कहीं ज्वाइन करने से पहले उसने अपनी जो पोस्ट है वो रिजाइन कर दी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, तो ये जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम वाली बात होती है वहां पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग यूज करते हैं। नंबर टू पॉइंट है, इफ टू वर्क्स वर कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, यानी कि अगर दो वर्क है और वो पास्ट टाइम्स में कंप्लीट हुए हों और उनका जो टाइम इंटरवल है, समय है, वो भी अलग अलग हो, देन टू डिनोट द वर्क विच वॉज कंप्लीटेड अर्लियर, यानी कि तो फिर दो वर्क है तो इसको हम W1 और W2 ले लेते हैं हम, तो यानी कि अगर W1 पहले हुआ हो, W2 बाद में हुआ हो, देन पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड एंड टू एक्सप्रेस द वर्क विच वॉज कंप्लीटेड लेटर, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड, यानी कि जो बाद में जो वर्क कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, और जो पहले वर्क कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पहले वर्क के लिए और दूसरे वर्क के लिए सिंपल पास्ट हम यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल से और क्लियरिफाई हो जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे, द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले जो एक्शन है वो पहला एक्शन कौन सा कंप्लीट हुआ है, पेशेंट का एक्शन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि पेशेंट पहले मर चुका है, तो इसको वर्क वन कर देते हैं और इसको वर्क टू कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो ये होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो W1 ये है और ये W2 ये है, तो पेशेंट पहले ही मर चुका है, तो इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और डॉक्टर बाद में आया है इसलिए हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे यहाँ पे। नोट देखिएगा, नोट वन है, बिफोर और आफ्टर इज यूज टू ज्वाइन बोथ द क्लॉसेस। तो ये जो क्लॉज है सेंटेंस के, उसमें बिफोर और आफ्टर दोनों यूज किए जाते हैं इनको ज्वाइन करने के लिए। नोट टू है, बट इफ इन द पास्ट टेंस देन फॉर बोथ द वर्क्स सिंपल पास्ट टेंस इज यूज। लेकिन पास्ट टेंस में क्या है, दोनों वर्क के लिए हम लोग सिंपल पास्ट ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, ही क्लोज द डोर एंड वेंट टू वेट। तो ये पूरा जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट के अंदर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पास्ट टेंस ही यूज करेंगे और वो भी सिंपल यूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर 8 पॉइंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट द वर्क व्हिच वाज स्टार्टेड बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड ऑलरेडी फिनिश्ड, यानी कि ऐसा वर्क जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट हुआ है उससे पहले और फिनिश हो चुका है। एग्जाम्पल लेंगे, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, तो यानी कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उससे
पहले एक वर्क स्टार्ट हुआ है और फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है. सचिन तेंदुलकर हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया फॉर 25 इयर्स होगा. तो 25 इयर्स है ये पॉइंट ऑफ टाइम है. और सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने क्या करा है कि हैड बीन प्लेइंग, वो खेल रहे थे क्रिकेट इंडिया के लिए. तो यह देख सकते हैं कि जो ये जो एक्शन है वो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले फिनिश हो चुका है. तो वहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. नेक्स्ट देखेंगे नंबर 9 पॉइंट, सिंपल फ्यूचर टेंस. तो ये कहाँ यूज होता है? नंबर 1, टू डिनोट जनरल वर्क दैट विल कंप्लीटेड इन फ्यूचर. तो ये सिंपल सी बात है कि वो फ्यूचर में कंप्लीटेड होने वाला जनरल वर्क है, उसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं. आई शैल गो टू ऑफिस टुमारो. तो ये टुमारो यहाँ पर शो कर रहा है कि ये सिंपल फ्यूचर है कि मैं जो कल है ऑफिस जाऊँगा. तो ये जनरल वर्क को डिनोट करता है. आई विल कम ऑन मंडे, तो मैं मंडे को आऊँगा. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मंडे है, तो ये फ्यूचर टेंस को डिनोट कर रहा है. इसलिए हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्क भी विल लेंगे, यानी कि ये फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्क यूज़ करेंगे. नोट, एक नोट है, इन द सेंटेंसेस हैविंग स्ट्रांग डिटर्मिनेशंस वार्निंग एक्सेट्रा विल प्लस वर्ब इज यूज विथ आई और वी एंड शैल प्लस वर्ब इज यूज विथ यू ही दे. तो यहां देख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें स्ट्रांग डिटर्मिनेशन हो या फिर कोई वार्निंग हो, तो वहां पर हम लोग विल के साथ वर्ब यूज करते हैं और जो सब्जेक्ट रखेंगे हम वो आई और वी यूज करेंगे. जबकि शैल और वर्ब हम लोग जो सब्जेक्ट है यू वी दे यानी कि थर्ड पर्सन उसके साथ हम लोग यूज करेंगे. एग्जाम्पल लेंगे, आई विल नॉट एक्ट अगेंस्ट माई कॉन्साइंस. यानी कि कॉन्साइंस मतलब एक चीज, एक तरह से हो गया जमीर, तो मैं अपने जमीर के खिलाफ एक्ट नहीं करूंगा. तो यहां आप देख सकते हैं आई के साथ क्या हो रहा है, विल प्लस वर्ब यूज हो रहा है. नेक्स्ट देखेंगे, ही शैल नॉट अलाउड टू गो. तो यहां देख सकते हैं एक वार्निंग है, तो वार्निंग वाली बात आ रही है. तो यहां पर ही है, ही के साथ शैल यूज हो रहा है और फिर वर्ब यूज हो रही है. तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होता है. नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2 पॉइंट, सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैविंग द सेंस ऑफ एडवाइस सजेशंस रिक्वेस्ट और प्रपोजल बिगिन विद शैल आई और शैल वी एंड इज यूज इन सिंपल फ्यूचर टेंस. तो यानी कि कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि एडवाइस का, सजेशन का, रिक्वेस्ट का, प्रपोजल का सेंस देते हैं, तो वो शैल आई या शैल वी से स्टार्ट होते हैं और वो सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं. एग्जाम्पल लेंगे, शैल आई ड्रॉ द कर्टेन. यानी कि वो एक तरह से परमिशन मांग रहा है, एक रिक्वेस्ट मांग रहा है कि मैं जो कर्टेन है वो क्या कर लूँ, ड्रॉ मतलब खींच दूँ, बंद कर दूँ. तो फिर यहाँ पर शैल आई यूज हो रहा है और ये क्या है, लास्ट में इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है. शैल वी स्टार्ट द क्लास. ये मैं अपन जो है क्लास स्टार्ट कर सकते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं शैल के साथ वी यूज हो रहा है और ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. समटाइम्स सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट. तो कभी कभी क्या होता है, जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट भी एक्सप्रेस करता है. दीज सेंटेंसेस शो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम. तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट भी शो करते हैं, प्रेजेंट भी शो करते हैं, फ्यूचर टेंस भी शो करते हैं. एग्जाम्पल, सिन विल बी सीन. मतलब तो जो बुरा है वो तो बुरा ही है, जो पाप है वो तो पाप ही है. तो यहाँ आप देख सकते हैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको यूटी से डिनोट कर लेते हैं हम, यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात है. ए ड्रंकर्ड विल ड्रंक. तो यहाँ जो है कि एक जो शराब पीने वाला है वो हमेशा जो शराब है वो पिएगा ही सही. तो ये देख सकते हैं ये हैबिट की बात है. तो यहाँ पर हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर 10, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या क्या है, नंबर 1 पॉइंट है, टू डिनोट द वर्क दैट शोज दैट द वर्क विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर. तो इस तरह का वर्क जो ये बताता है कि फ्यूचर के अंदर वो कंटिन्यू है कुछ टाइम के लिए. एग्जाम्पल लेंगे, वी शैल बी प्लेइंग द मैच एट दिस टाइम. यानी कि एट दिस टाइम ये बता रहा है कि फ्यूचर टेंस है और हम लोग क्या करेंगे, हम खेल रहे होंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं शैल और विल ये यूज हो रहा है प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. तो ये फॉर्मेट होता है इसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का. नेक्स्ट देखेंगे, आई शैल बी टीचिंग एट द कोचिंग क्लासेस. तो यहाँ पर आई के साथ शैल यूज हो रहा है और वर्ब प्लस आईएनजी है, एट द कोचिंग क्लासेस. तो ये फ्यूचर वाली बात है. नेक्स्ट देखेंगे हम, टू डिनोट इंटेंशन और प्लानिंग ऑफ फ्यूचर. तो यानी कि कोई इंटेंशन अगर डिनोट करना हो या फिर आपकी कोई फ्यूचर की प्लानिंग डिनोट करना हो तो भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. एग्जाम्पल,
आई शैल बी मीटिंग माई सीनियर ऑन फ्राइडे. तो यहाँ आप देख सकते हैं एक प्लानिंग है. तो यहाँ पर शैल यूज हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फॉर्म यूज हो रही है ऑन फ्राइडे. तो फ्राइडे शो कर रहा है ए फ्यूचर टेंस है. वी शैल बी मीटिंग द कॉन्फ्रेंस इन डेली नेक्स्ट वीक. तो नेक्स्ट वीक शो कर रहा है फ्यूचर टेंस और यहाँ पर वी के साथ शैल यूज हो रहा है. आई और वी के साथ शैल यूज होगा, ध्यान रखना. बाय बी मीटिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है और ये क्या बता रहा है, एक प्लानिंग बता रहा है फ्यूचर की. नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर 11, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इट डिनोट्स दैट द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड एट द डिटर्मिनेंट फिक्स टाइम. तो ये शो करेगा कि यहाँ पर जो आने वाले जो टाइम है फ्यूचर टेंस है उसमें जो वर्क है वो कंप्लीटेड हो गया है. एग्जाम्पल लेंगे, आई शैल हैव रीच्ड कोलकाता बाय दिस टाइम टुमारो. यानी कि मैं कल तक कोलकाता पहुंच चुका हूंगा. तो यहाँ आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में जो वर्क है वो कंप्लीटेड है. तो यहाँ पर शैल और विल यूज हो रहा है प्लस वर्ब यूज हो रही है प्लस ईडी, यानी कि ये पास्ट यूज हो रही है वर्ब प्लस फ्यूचर टेंस वाली, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन आएगा. नेक्स्ट देखेंगे, वी शैल हैव कंप्लीटेड अवर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. तो यहाँ ये शो कर रहा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस शो कर रहा है क्योंकि एक फिक्स टाइम शो कर रहा है कि इस टाइम में मैं जो है अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर चुका हूँगा. सेकंड पॉइंट है, टू डिनोट लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी एंड इज रिलेटेड टू द वर्क इन द पास्ट. तो ये क्या डिनोट करता है, एक लाइकलीहुड भी डिनोट करता है और एक संभावना प्रोबेबिलिटी भी डिनोट करता है जो कि वर्क से जुड़ी हुई हो पास्ट टेंस के अंदर. एग्जाम्पल लेंगे, यू विल हैव मेट माई ब्रदर एट कोलकाता. यानी कि तुम क्या करोगे, मेरे ब्रदर से मिलोगे कोलकाता में. तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी को शो हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. यू विल हैव सीन द ताज, तो तुम देखोगे ताज. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैव सीन, तो ये क्या शो कर रहा है, पास्ट में शो कर रहा है एक तरह से वर्क को. नेक्स्ट देखेंगे हम 12 पॉइंट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. टू डिनोट द वर्क दैट विल कॉन्टिन्यू इन फ्यूचर फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो यानी कि फ्यूचर में ऐसा वर्क जो कि लंबे समय से चला आ रहा है. एग्जाम्पल लेंगे, ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द हिज एग्जामिनेशन. तो वो क्या कर रहा है, वो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है. तो यानी कि फ्यूचर टेंस में ये चला आ रहा है वर्क. यू विल हैव बीन बिल्डिंग योर हाउस. तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मेट है विल और शैल होगा प्लस हैव बीन यूज होगा प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. तो ये क्या है, यू विल हैव बीन बिल्डिंग योर हाउस. तो तुम क्या बना रहे होंगे, अपना घर बना रहे होंगे. तो यानी कि ये क्या है, एक लॉन्ग टाइम में एक जो वर्क है वो कंटिन्यू हो रहा है. तो यहाँ पर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू यूज करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटिव, ऑल द बेस्ट.